सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम रजत शंकर बिस्वास, आई एम बैक हियर विद अ न्यू वीडियो गाइस। और सबसे पहले सभी को थैंक यू, क्योंकि हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए सभी को थैंक्स। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी थैंक्स, क्योंकि अभी 150 करीबन होने वाला है, तो इसके लिए भी थैंक्स जिन लोगों ने किया है और नहीं किया, सभी को थैंक्स। और हैप्पी दिवाली सभी को, तुम लोग खुश रहो हमेशा अपनी फैमिलीज़ के साथ, बस इतना ही उम्मीद करूँगा। और मस्त वाले पटाखे फोड़िए, जम के पूरा दिवाली को एंजॉय करो। और कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि या फलाना ढिमकाना क्या पॉल्यूशन वगैरह सब होता है, तो इनकी बात मत मानो, साफ सीधी बात है। पूरे दिल से एकदम जी जान से पूरे पटाखे फोड़ो, पूरा एकदम धुआं धुआं कर दो बोलने से हर जगह। मतलब कोई इंसान अगर इतना सामने भी आ जाए ना, तो समझ में ना आए कि वो कौन है, इतना धुआं कर दो, ठीक है गाइज। वैसे इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का मैच चल रहा है, तो मैं अभी वही देख रहा हूँ फिलहाल, तो अभी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है गाइज। जैसा कि आज दिवाली है, तो अभी सबसे पहले यहाँ से हर जगह से मोमबत्ती वगैरह लगवाना पड़ेगा। फिर मम्मी दिया रेडी कर रही है, और मेरा अभी काम सबसे पहले यही है कि मोमबत्ती वगैरह लगवाना। ये देखो लग चुका है ऑलरेडी, और जल्दी से लगवा देते हैं अभी गाइज। मैंने मोमबत्ती तो लगवा दिया, और इस लड़के का काम है मोमबत्तियों को जलाना, बस ये अपना काम कर रहा है। ये देख लो गाइज, एकदम पूरा लाइट 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 हो रखा है, वो एकदम लास्ट तक गाइज। तो हमने हर जगह पूरा एकदम लाइट लाइट कर दिया, एकदम बढ़िया से। अभी और भी थोड़ा सा काम बाकी है शायद, तो जल्दी से कर लेते हैं। ये वाला मस्त फटा है गाइस, तो पटाखे फोड़े हैं वो भी मस्त एकदम धुप धुप करके फटे एकदम। अभी और भी बाकी है, बड़े बड़े भी बाकी है, तो बस छोटा था ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है गाइस। इस लड़के का बहुत मन था पटाखे फोड़ने का, तो चलो मैंने इसे एक दे दिया, अब देखते हैं क्या किस तरह फोड़ता है। अब ये मोमबत्ती चलो जलाने तो वाला है, डर भी लग रहा है इसे बहुत। चलो जल तो गया है गाइज। अभी हम लोग तैयार होंगे, मतलब मैं अभी ऐसे ड्रेस में हूँ, तो थोड़ी देर बाद कुर्ते में रहूँगा, और जल्दी से अभी तैयार हो जाते हैं, वैसे भी 7 बजने वाले हैं गाइज। फाइनली मैं तैयार तो हो चुका हूँ, और वेट मैं अपना पूरा आउटफिट तुम लोग को दिखाई देता हूँ। ये वही कुर्ता है, मैंने और कुर्ता नहीं खरीदा था, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मैं इसी कुर्ते को खाली यूज कर लूंगा दिवाली में भी। क्या है गाइस, अभी चलते हैं बाजार में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि वहां पर ही काली मंदिर है, तो वहां पर पूजा भी हो रही है, और रोड साइड में पटाखे फोड़ने वाले बहुत है बहुत। खैर तो चलते हैं गाइस। अभी पहुंचने वाले, एकदम ना मस्त वाली लाइटिंग वगैरह हुई है, और इधर में तो पटाखे वटाखे एकदम मस्त फोड़ रहे हैं सभी कोई। चलिए हम लोग भी थोड़ा पहुँचते हैं गाइस। वो देखो हम लोग अभी भी बहुत दूर है, मतलब थोड़ा सा ही मेरे को भी चलना है अभी भी, लेकिन है तो अभी भी हम लोग दूर में ही, तो ठीक ठाक हुआ है लाइटिंग। गाइस ये मेरा दोस्त है, और ये अभी जा रहा है पटाखे फोड़ने के लिए, और अभी ये नीचे रख दिया इसने, और अब अपनी पॉकेट से निकालेगा लाइटर, और सीधा इसमें लगाएगा, और चुपचाप यहाँ से चल देगा। गाइज अब ये जा रहे हैं और एक पटाखा फोड़ने के लिए, देखते हैं अब ये और कितना टाइम लगवाएगा इसको फोड़ने के लिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा धुआं होने वाला है। खैर हाँ, लग गया है इसमें, काफ़ी जल्दी लग गया है। और ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा जितना लगता है, लेकिन ये जला नहीं है ठीक से। तो अब ये फिर से ट्राई कर रहा है इसको जलाने के लिए, देखते हैं अब होता है कि नहीं। हाँ शायद नहीं, अभी भी नहीं लगा है इसमें। बंदे में बहुत गट्स है, बहुत गट्स है बंदे में। चलो इस बार भी नहीं लगा। और इधर पे डॉगी आकर बोल रहा होगा शायद, कैमरामैन फोकस ऑन मी। तो गैस गाड़ी अभी जल्दी से पार हो जाती है। फिर अभी ये बंदा फिर से ट्राई करने की कोशिश तो कर रहा है, देखते हैं इस बार। हाँ इस बार लग चुका है। अब ये मस्त वाले धुआं करने वाला है। गाइस ये और एक अब फोड़ने के लिए जा रहा है पटाखा, लेकिन क्या सोच रहा है पता नहीं है अब। हाँ नहीं, चलो लगवा दिया है। अभी ये भी जल्दी से फोड़ने वाला है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में, और ये मंदिर के आसपास से छोटे मोटे दुकान वगैरह लगे हैं। और ये रहा मंदिर, अभी कुछ ही दिनों पहले ये कंप्लीट हुआ है। फिर यहाँ कुछ लोगों ने उड़ाया हॉट एयर बलून, वो भी एक नहीं दो। तो इन बंदों को चाहिए था शाउट आउट, चलो ठीक है इनको भी दिखा दिया। इसी बीच में बच्चा पार्टी लोग आ जाते हैं अपना एक ग्रुप बनाकर। पन्नी भर के पटाखे लाए थे ये लोग, अब देखते हैं कितने देर तक फोड़ते हैं। फिर मेरे साइड में बैठा ये बंदा क्रिकेट मैच देख रहा है, और वैसे भी हमारे देश में क्रिकेट लवर्स की कमी नहीं है। फिर इसके बाद ये बच्चा पार्टी लोग सामने में एक पटाखे जला कर आ गया। अब देखते हैं ये फूटने वाला है कि नहीं। नहीं फूटेगा। फिर ये लोग एकदम ग्रुप बना कर जाते हैं देखने के लिए क्या हुआ उसका हाल। गाइस थैंक्स सभी को आपका सपोर्ट देने के लिए। हमारे 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और थैंक यू सभी को। बस गाइस कुछ भी बोलो, दिवाली 2023 में ना हमारे यहाँ पर एकदम मस्त बन रही है, एकदम मस्त भाई, पूरा एकदम धुआं करके रखा है, एकदम मस्त। मैं घर में जाकर ना एक लाइंस बोलूंगा जो कि मैंने पिछले तीन दिन बैठकर मैंने बनाया बहुत मेहनत से। तुम लोग को जरूर बताऊंगा, मैं घर जाकर मैं बताऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। इसके बाद पूजा कमेटी की तरफ से हमें भी एक एक करके पटाखे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने भी एक पटाखा फोड़ा, अभी जो मेरे हाथ में है। अभी ये सामने से बच्चों को साइड में हटाकर मैं अभी फोड़ने वाला हूँ। ओ देखो जल गया है, अब फेंक दिया सीधा। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, और शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, क्योंकि वैसे भी लाइट्स थोड़ा कम है। मैं चल के जा रहा हूँ अपने घर। तो क्या ये बताओ मस्त मज़ा है दिवाली में एकदम। कल भी होगा, कल की ट्यूसडे को शायद एक स्टार आने वाला है, ऐसा सुना है कि डांसर कोई आने वाला है। खैर जो भी हो मज़ा तो आने वाला है बहुत। बाय द वे गाइस तुम लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। गाइज अभी अभी घर आया हूँ और चेंज किया हूँ, अभी बस ड्रेस वगैरह चेंज करके बैठा हूँ। तो अभी डिनर भी करना है, घर मम्मी ने बोला कि जल्दी से डिनर वगैरह कर ले। तो वैसे भी रात के 10 पार हो चुके हैं, तो अभी जल्दी से डिनर कर लेते हैं वैसे भी। और मैंने जो लाइंस बनाया वो मैं डिनर करने के बाद ही बोलूंगा, जो कि मैंने 3 दिन बैठकर बनाया, वो भी मतलब काफी सोच समझ कर बनवाया। तो तुम लोग थोड़ा मजा लेना उसका अच्छे से, डिनर करने के बाद मिलते हैं। गाइस डिनर तो मैंने अपना लगा लिया है और अभी जल्दी से खा लेते हैं। वही थोड़े से चावल थे, वही लेकर बैठा हूँ और आलू कद्दू वगैरह ये सब है सब्जी जो मम्मी ने बनाया था, अभी वही खा रहा हूँ रात को डिनर में, क्योंकि मैंने बाजार से कुछ नहीं खाया। जैसे कि मैं स्ट्रीट फूड नहीं खा सकता हूँ और ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। तो बात ही वही है, मंदिर में प्रसाद मिला था लेकिन मैंने ही नहीं खाया जानबूझकर, पता नहीं क्यों, और मुझे भी नहीं पता। खैर हम चलते हैं, डिनर जल्दी से कर लेते हैं। ये रहा दूध, डिनर तो हो चुका है। गाइज फाइनली मेरा डिनर तो हो चुका है और अभी मैंने कहा था कि जो लाइंस मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो तुम लोग अच्छे से सुन लो, ठीक है। ये जैसा कि अभी दिवाली चल रही है, तो ये लाइंस भी टोटली दिवाली रिलेटेड है, तो तुम लोग समझ लो। अभी वो लाइंस है कि इस दिवाली पटाखे फोड़कर धुआं कर दो हर गली, सब सीधा बात है भाई। मस्त वाले पटाखे फोड़ो यार, अगर है तो पूरा फोड़ो, नहीं है तो दोस्त दोस्त है तो उन लोग से लेके फोड़ो, लेकिन हाँ पटाखे ज़रूर फोड़ो। दिवाली है तो मस्त वाले फोड़ो। यहाँ मेरे यहाँ पर मैंने लास्ट फोड़ा था 2019 में, फिर 20 में कोविड हो गया, 21 में भी नहीं फोड़ सका, 22 में आया ही नहीं था, ठीक है। अभी 23 में भी बहुत हमारे यहाँ पर डिमांड में था तो फिर भी मिल गया, वो भी बहुत महंगा था, बहुत महंगा मतलब हद से ज़्यादा महंगा था। और वैसे भी यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई किया जाता है और प्राइवेट किसी के पास अगर रहता है, अगर गवर्नमेंट के फेडरेशन वगैरह में नहीं आ रहा है तो भी यह भूल जाओ, बहुत महंगा। और इस बार वही हुआ, प्राइवेट से हम लोगों ने ख़रीदा, मजबूरी था क्योंकि फेडरेशन में नहीं आया, बस काम हो गया हमारा, कुछ नहीं कर सकते अब। खैर जो भी हुआ, दिवाली तो चल रहा है एकदम बढ़िया से, बाकी तुम लोग एंजॉय करो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 30 डे चैलेंज का वीडियो मैं अभी सुबह 5 बजे क्यों अपलोड कर रहा हूँ, रात को क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो बता दूँ भाई अभी टाइम बज रहा है 10:30 तो पार हो चुके हैं, 10:30 11:45 बजने वाले, क्योंकि मैं बाज़ार से आ रहा था 10 बज चुके तब, ठीक है। तो घर आकर मैंने टाइम नहीं देखा, तो मुझे लगा शायद 10 बज रहे होंगे इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन अभी देख रहा हूँ 10:30 पार हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ जाता हूँ रात को डिनर वगैरह करने के बाद, फिर उसका वॉइस ओवर वगैरह करना पड़ता है, तो उसी में मेरा काम तमाम हो जाता है, रात के 11:30-12 बज जाते हैं, काफ़ी थक जाता हूँ। इससे पहले वाला जो व्लॉग था डे 5 की डे 6 आई थिंक, उसका अगर वॉइस ओवर देखोगे तो काफ़ी मतलब ठीक नहीं हुआ है बिल्कुल भी। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं एडिटिंग करते करते आधे वक्त ही मेरा नींद में मैं झपकी ले रहा था, सच में बोल रहा हूँ। बहुत बार मेरे हाथों से मेरा फ़ोन भी गिर चुका था एडिटिंग करते वक्त, तो फिर सोचो मैं ऐसे ही बेड में लेटा ऐसा कर रहा था। खैर जो भी हो, तो उसी रीज़न से मैंने सोचा कि नहीं सुबह को अपलोड कर देंगे एडिटिंग करने के लिए, तो फिर मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं। ऊपर से 4 की 5 घंटे मेरी नींद हो रही थी सारे दिन में। मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूँ 7 से 8 घंटे तक सोने के लिए, ठीक है। मेरे को नींद बहुत प्यारा है मेरे लिए, सो वही रीज़न है भाई। तो सिर्फ ये इतना ही रीज़न था कि मेरा नींद मेरे को पूरा नहीं हो रहा था, मैं काफ़ी थक जा रहा हूँ, ऊपर से मेरे को सुबह उठना भी होता है, ठीक है। अभी मैं मेरे घर में लेट डिक्शनरी में नहीं है, मेरे घर में लेट वर्ड, वो भी नींद से उठना लेट, ऐसा नहीं है 6 बजे से पहले, जो भी होगा 6 बजे से पहले उठो, कुछ भी करो लेकिन 6 बजे से पहले उठो। हाँ अगर रात को ज़्यादा काम वाम कुछ कर लेते हो या फिर घर में कुछ पूजा वगैरह था उसमें अगर ज़्यादा थक गए तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वही एक रीज़न था, इसलिए मेरे को जल्दी उठना पड़ता है, नहीं तो बहुत गाली पड़ती है, बेड से उतरने से पहले ही गालियाँ मिल जाती है, उसके बाद सारा दिन मेरे को गालियाँ सुनने को मिलते हैं, तो मैं नहीं चाहता उस वजह से, तो थोड़ा तो मेरे को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, और कल भी शायद इस तरह लॉन्ग ब्लॉग आ सकता है, और अभी तक तो शायद मिनी ब्लॉग भी अपलोड हो चुका होगा डे 7 वाला, तो तुम लोग ब्लॉग को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे कि 150 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट और जल्दी से 200 300 करवा दो यार प्लीज़। और आई थिंक यू ऑल गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो गाइस। टिल देन स्टे सेफ, बाय।